लोकसभा चुनाव की घोषणा के कई दिनों बाद भी अब तक इंडिया महागठबंधन ने अपने एक भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इंडिया गठबंधन में अब भी कई सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। कुछ सीटों को लेकर पार्टियों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है तो कुछ सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर पेच फंस रहा है। खासकर पलामू और चतरा लोकसभा सीट पर हलचल तेज है। इन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल ने पेच फंसा दिया है। कहा जा रहा है कि राजद के रुख के वजह से सीट और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हो पा रही है। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के साथ साथ राजद भी दावा कर रही है और कांग्रेस खासकर चतरा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पलामू सीट राजद के पाले में गया था जबकि चतरा सीट कांग्रेस के खाते में आई थी, लेकिन राजद ने चतरा में भी अपना उम्मीदवार उतार दिया था। इससे यहां कांग्रेस और राजद के बीच राजनीतिक घमासान देखने को मिला था। सहमति न बनने पर एक बार फिर से ये घमासान देखने को मिल सकता है। इस बार के चुनाव को लेकर राजद पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है, पूरी जोर शोर से तैयारियों में जुट चुकी है। सीट पर अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए झारखंड प्रदेश राजद के नेता बीते दिनों पटना पहुंचकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिले। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की और वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में अवगत कराया। राजद नेताओं का कहना है कि पलामू और चतरा सीट उनकी परंपरागत सीट रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग का खुलासा किए बगैर ही राजद समेत अलायंस के कुछ अन्य पार्टियों के अनाधिकारिक प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। इसमें खास तौर से झारखंड सरकार में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता शामिल हैं। सत्यानंद भोक्ता फिलहाल चतरा विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने चतरा में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए खुद को वहां का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उनके कुछ फोटो वीडियोस भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जहां वे बिल्कुल लोकल अंदाज में होली के रंगारंग कार्यक्रम में शिरकत करते दिखाई दिए। भारी संख्या में लोगों की भीड़ है, इस तरह से शायद वह अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही सत्यानंद भोक्ता ने राजद की ममता भुइयां को पलामू से चुनाव लड़ने की बात कही है। राष्ट्रीय जनता दल ने पहली बार पलामू सीट से किसी महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारने की घोषणा की है। ममता भुइयां की बात करें तो वह कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, लेकिन बीते दिनों उन्होंने राजद का दामन थाम लिया। दोनों सीटों पर राजद द्वारा चुनाव लड़े जाने पर पार्टी ने भी हामी भरी है। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव ने कहा कि ये तय है कि राजद पलामू और चतरा सीट से चुनाव लड़ेगा, लेकिन अब तक किसी को भी सिंबल नहीं मिला है। प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार के संबंध में कहा कि फिलहाल पार्टी की ओर से पहल नहीं की गई है, लेकिन प्रत्याशियों को मालूम है कि दोनों सीटें राजद के खाते में आ रही हैं, इसलिए चुनाव प्रचार को गठबंधन धर्म के खिलाफ नहीं माना जा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवार की घोषणा के बाद कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। महागठबंधन के अन्य घटक दलों ने भी अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच कांग्रेस नेता भी दिल्ली में कैंप कर रहे हैं और पलामू से चुनाव लड़ने के लिए अपनी ताकत झोंकते दिखाई दे रहे हैं। कई नौकरशाह और दूसरे दलों के नेता भी कांग्रेस के संपर्क में हैं। पलामू सीट पर कांग्रेस का दावा है अंतिम समय में यह सीट भले ही राजद के खाते में चली जाए, लेकिन कांग्रेस को यह सीट मिली तो उसके पास अपना कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं है, जबकि पलामू लोकसभा सीट राष्ट्रीय जनता दल की पारंपरिक सीट रही है। राजद पलामू लोकसभा सीट से साल 2005 और 2007 में चुनाव जीत भी चुका है। दूसरी तरफ भाजपा की बात की जाए तो अब तक पार्टी ने 14 में से 11 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन अब भी चतरा, धनबाद और गिरिडीह सीट को लेकर पेच फंस रहा है। इस बार चतरा सीट पर मुकाबला जोरदार हो सकता है, क्योंकि अब भी दोनों गठबंधन की टीमें चतरा सीट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई हैं। एक ओर इंडिया टीम की ओर से राजद और कांग्रेस के बीच खींचतान जारी है, वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी को लेकर कंफ्यूज है। कहा यह भी जा रहा है कि झामुमो से दगाबाजी करके भाजपा में शामिल हुई सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन को चतरा सीट थमाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना दुमका सीट से ही बन रही है, क्योंकि इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले जामा विधानसभा सीट पर सीता सोरेन ने 3 बार तक विधायकी का चुनाव जीता है। इस लिहाज से उनकी पकड़ कुछ हद तक केवल दुमका क्षेत्र में ही मजबूत है, इसके लिए सुनील सोरेन का पत्ता कट सकता है। वहीं चतरा सीट पर भाजपा राजद से आए गिरिनाथ सिंह
के नाम पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। पिछले दो चुनावों से मोदी लहर के दौरान भाजपा के सुनील कुमार सिंह ने सीट पर पार्टी को जीत दिलाई। हालांकि इस बार शायद उनका टिकट कटना साफ है, इसलिए पहली लिस्ट में भाजपा ने चतरा सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। अब इस बार चतरा सीट पर मुकाबला किन किन पार्टियों के बीच होगा, ये देखना बेहद रोचक होगा। लेकिन आपके हिसाब से इस सीट पर कौन कौन प्रत्याशी होने चाहिए, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।